बाराबंकी कस्बा जैदपुर में हर साल की तरह इस साल भी आज रसूले करीम मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीने से करबला सफर करने की याद में 28 रजब को निकलने वाला सफरे इमाम हुसैन का जुलूस पूरी अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। इस अवसर पर अजादार काले कपड़े धारण किए हुए या हुसैन की सदा लगाते हुए जुलूस के साथ साथ चल रहे थे। 1400 साल पहले रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन को इराक के करबला के मैदान में उस वक्त के जालिम बादशाह के हुक्म पर उसकी फौजों द्वारा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था और उनके परिजनों, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, उनको बंदी बनाकर लगभग 1 वर्ष तक कैद में रखा था। उनकी इसी हिजरत की याद में उक्त जुलूस निकाला जाता है कस्बे के मोहल्ला पचदरी में। सुबह लगभग 9 बजे जुलूस निकलने से पहले खिताब करते हुए मौलाना सैयद हसनैन बाकिरी जौरासी ने कहा कि अल्लाह ने कामयाबी का राज हिजरत में रखा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इमाम हुसैन की अजादारी करनी है तो इमाम हुसैन के मकसद को समझना होगा, और उनके मकसद को समझने के लिए वाजिबात के साथ साथ समाजी हुकूक की अदायगी भी करना इमाम हुसैन के मकसद में शामिल है। हमें इमाम हुसैन के मकसद को समझना है तो हमको अपने पड़ोसी के हुकूक को लेकर इंसानियत का हर वह काम करने होगा जो इमाम हुसैन ने अपने अमल के द्वारा हमें बताया है। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार करके दीन बचाने के लिए करबला की तरफ सफर किया। इमाम हुसैन के इनकार का असर है कि किसी जालिम की हिम्मत न हुई कि फिर किसी हक परस्त से बैत का सवाल करे। मजलिस के फौरन बाद अंजुमन दस्ते हैदरी के तत्वावधान में जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में आगे आगे शबीह झुलझना, अमारी झूला हजरत अली असगर, अलम मुबारक आदि मौजूद थे। जुलूस के दौरान अंजुमन दस्ते हैदरी के नौहाख्वान जयगम अब्बास द्वारा नौहाख्वानी और नौजवान दस्ते द्वारा सीनाजनी के साथ ही जंजीर का मातम कर नजराने अकीदत पेश की गई। वही बैरूनी अंजुमन गुलदस्त ए हैदरी लखनऊ व गुंचे अब्बासिया बाराबंकी द्वारा भी नौहाख्वान व सीनाजनी की गई। उक्त कदीमी जुलूस बांध चौराहा, मुख्यन, गड़ी जदीद, छोटी बाजार, छोटा इमामबाड़ा, बड़ी सरकार, बड़ी बाजार, थाना चौराहा होते हुए शबीह करबला पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां जुलूस की अलविदाई मजलिस को मौलाना जावेद हैदर ने खिताब करते हुए मसाइब बयान किए। जुलूस की समाप्ति पर अंजुमन दस्ते हैदरी के ओहदेदारानों और सभी सदस्यों ने आए हुए अजादारों का शुक्रिया अदा किया। वही जुलूस के दौरान समाज सेवी मोहम्मद सालिम द्वारा अपने प्रतिष्ठान हीरो शोरूम भानमू रोड पर सबील लगाकर चाय पानी की बोतल, शरबत, बिस्कुट के पैकेट अजादारों में तकसीम किए गए। इसके अतिरिक्त भी जुलूस मार्ग पर जगह जगह अजादारों ने सबील का इंतजाम किया गया था। बाराबंकी कस्बे